Recording in progress.
हाँ मैं हेलो। हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, हाँ यस जी, मैम, यस मैम, निकालो जी, 11th टर्म निकालो फटाफट बताओ इसकी। और कोई यस प्रॉब्लम है तो बार बार मैं पूछ रही हूँ। 5.2 में अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो बता दो मुझे, पहले मैं वो डिस्कस कर दूँ। नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, 11th टर्म निकाल के बताओ मुझे इस सीक्वेंस की क्या बनने वाली है। ए है -3, डी निकालने के लिए क्या करना है मुझे? a2 - a1 दैट इज -1/2 + 3। एलसीएम ले लूं तो -1 + 6/2 दैट इज 5/2। ए है -3 और डी है 5/2, और आपको निकालनी है 11th टर्म। 11th टर्म क्या होगी? a+10d। a is -3, d is 5/2। 25 - 3 दैट इज 22। 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 22।
हाँ जी, एक्सरसाइज 5.2 में से आपको कुछ पूछना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन टेल मी, अदरवाइज फिर मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आपने मुझे करके बताना है। जल्दी जल्दी बोलिए, कुछ पूछना है। चलिए, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं पूछना है। क्वेश्चन लिखो जी फिर। विच टर्म ऑफ दी एपी, विच टर्म ऑफ दी एपी 5, 15, 25 एंड सो ऑन, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। करिए जल्दी से, इस एपी की कौन सी टर्म 31st टर्म से 130 ज्यादा है? जल्दी से करिए और बताइए मुझे क्या आंसर निकालेंगे आप इसका। दो हाँ जी, फोर्टी दो 43 थ्री या 44? 44 44 इज द आंसर। फोर्टी फोर इज द आंसर। मुझे क्या कहा गया, कौन सी टर्म? आई डोंट नो विच टर्म, सो मैंने उसको ले लिया nth टर्म। क्या करना है, इसको 130 ज्यादा करना है 31st टर्म से। 130 मोर देन दी 31st टर्म, विच टर्म इज दिस? दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल। तो nth टर्म हुई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 130, 31st टर्म इज ए प्लस 30d। ए आपका कैंसल हो जा रहा है, डी कितना है यहां पर आपका? डी इज 10। तो एन माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 300, 430। दिस इज एन माइनस वन इंटू 10। इसका मतलब है एन माइनस वन हो जाएगा 430 डिवाइड बाय 10, दैट इज 43। सो एन 43 प्लस वन दैट इज 44। इट मीन्स द 44th टर्म इज गोइंग टू बी 130 मोर देन दी 31st टर्म। नेक्स्ट लिखो, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज, 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। सेवेंटींथ टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द एपी। फाइंड द एपी। चलिए करिए जल्दी से और बताइए मुझे।
हाँ जी, रेडमी 9 हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है तो माइक ऑन करो और पूछो बेटा। रेडमी 9 हैज रेज दी हैंड, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क। हाँ जी, यहाँ पर आपको 10th टर्म दे रखा है। 10th टर्म का मतलब a+9d की वैल्यू आपको दी हुई है 52, और फिर कहा गया 17th टर्म इज 20 मोर देन दी 13th टर्म। 17th टर्म का मतलब a+16d, 13th टर्म का मतलब a+12d। इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 4d इज 20, सो वैल्यू ऑफ d इज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप चैट में लिख करके भेज सकते हैं कुछ पूछना अगर आपको तो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यू कैन राइट इन द चैट एंड कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। मैम हाँ जी बोलिए। नहीं मैम एपी सीरीज -2 4 10 सोन नो, -2 -10 तो नहीं आएगी बेटा। D5 आ रहा है मेरे पास, मैम D5 आ रहा है D5। मैम यस D5 तो अगर यस डी मैम आएगा तो यहाँ पर जब आप डी की वैल्यू 5 डालेंगे तो ये बनेगा 52 इज इक्वल टू a+45, सो ए हो गया है 7। नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं आ रहा बच्चे, ना ए नेगेटिव में आ रहा है ना डी नेगेटिव में आ रहा है। ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 5 है, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 7+12+17 एंड सो ऑन। ए इज 5, डी इज 7, सो सीक्वेंस है 7, 12, 17, 22, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14 एंड सो ऑन टिल 254। इस सीक्वेंस की 10th टर्म फ्रॉम द एंड, अगर 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछी जाए तो a+9d करके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब बिगिनिंग से नहीं, एंड से पूछी जा रही है 10th टर्म। बोलो जी क्या करोगे, लास्ट टर्म है आपकी 254। लास्ट टर्म इज 254, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट 10th टर्म फ्रॉम दी एंड। ऐसे क्वेश्चन आपके पास 15.2 एक्सरसाइज में है, टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना, तो प्रोसीजर आपको मालूम है, जल्दी से बताओ क्या निकालोगे। मैं एपी को रिवर्स करेंगे।
बिल्कुल, एपी को रिवर्स कर देंगे तो अब जिस सीक्वेंस की मैं बात कर रही हूँ वो उस में फर्स्ट टर्म 254 हो जाएगी, अगली टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी डी? पहले तो ये बता दो, इधर से चल रहे हो तो a2 - a1 5 आ रहा है, अगर रिवर्स चलो मतलब इसमें से 5 लेस कर दूं तो वो टर्म बनेगी मेरे पास। -5 अब मुझे -5 करना पड़ेगा, इतने से -5 करूं तो क्या बन जाएगा? 249। इसका मतलब मुझे इस सीक्वेंस की 10th टर्म निकालनी है, तो अब मेरा ए है 254 एंड डी इज -5। एंड व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, आई वांट टू फाइंड आउट 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज ए प्लस 9 डी। 254 ये हो जाएगा -45, डी है -5, 9 × 5। 254 में से 45 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 209 209। सो दिस इज योर टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। कोई सी भी टर्म फ्रॉम द एंड पूछी जा सकती है, मेथड सेम रहेगा। इसको फर्स्ट बना दोगे, इधर से चलते हुए जो डी है उसका नेगेटिव पीछे से चलते हुए बन जाए। ठीक है जी, एक्सरसाइज 5.3। इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। जल्दी से बच्चों देखो, खोलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। शाबाश, जल्दी से एक्सरसाइज 5.3 में कोई दिक्कत है अगर किसी की तो पूछ लो जल्दी से। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 कौन? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड। 5.3 का ही बोल रहे हो ना बेटा? यस ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है? एक्सप्रेशन ऑफ ए एन, ए एन इज 3 + 4n, और आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है शो दैट A1, A2, AN दे फॉर्म एन AP। एपी कब बनती है बेटा? जब सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो जाता है, तो पहले टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अगर ए एन है, एन को 1 डाल दूं तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, एन को 2 डालूंगी तो ये बन गया 8 + 3 11, 3 डाल दूं तो ये हुआ 12 और 3 15। अब क्या करते हैं, a2 - a1 कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आ रहा है? 11 - 7 4। अब क्या करते हैं, a3 - a2 निकाल देते हैं, 15 - 11 4। अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी एन एपी? यस तो तरीका ये है, इसमें कई बार थोड़ा सा डाउट की बात क्या कि हमने यहाँ 3 टर्म्स को चेक किया है, इसके बाद अगली टर्म अगर हम लें और वो एपी में ना आए, इसका मतलब तो मैं 10 टर्म्स ले लूं फिर 11वीं पे फिर भी डाउट वाला काम है। ऐसी सिचुएशंस में जो बेस्ट सॉल्यूशन रहता है वो जरा एक बार ध्यान से देखो, कल की क्लास में हमने बात भी की थी, हमने कहा था डी an - an - 1 करके, अगर डी इंडिपेंडेंट ऑफ एन बन जाए, मतलब एन वाले टर्म ना बचे उसके अंदर, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो एपी होगी। यहां पर एन दिया था 3 + 4n, ध्यान से देख लेना क्या बात मैं कह रही हूं। अगर मैं ए एन को 3 + 4n लूं तो ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा? 3 + 4 times n - 1। 3 + 4n - 3 + 4n - 4, 3 + 4n - ये हो गया आपका 4n - 1। ब्रैकेट को खोल दूं तो 4n - 4n + 1 मतलब कि 4 आ गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, देर इज नो टर्म कंटेनिंग एन इन इट। तो डी जो है वो कांस्टेंट आ गया है 4, सो आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो है ये एपी की nth टर्म है। परफेक्ट सॉल्यूशन की बात करो तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम 3 टर्म 10 टर्म 20 टर्म किसी के लिए भी बता दें करके, तो क्वेश्चन है कि अगली टर्म हो सकता है एपी में ना हो, राइट? सो इफ यू डू इट दिस वे इट इज परफेक्टली ओके, नो डाउट इन इट।
ऐसे ही सेकेंड पार्ट है आपके पास, ए एन दिया है, ए एन माइनस वन करके कॉन्स्टेंट प्रूफ कर दो, देन आई कैन से ए वन ए टू ए थ्री दे आर गोइंग टू फॉर्म एन एपी। ठीक है जी, और बोलिए जी 5.3 में एनी अदर प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 5.3, एनी अदर प्रॉब्लम? लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भाई कई बार दिक्कत होती है, इफ इफ यू डोंट हैव द प्रॉब्लम इट्स ओके, इफ यू हैव देन प्लीज लेट मी नो। Redmi 9i, you have raised your hand. बोलिए जी क्या पूछना चाहते हो, स्विच ऑन योर माइक एंड देन आस्क। आप क्या, कौन सा? 18th, लो जी 18th। 18th क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। एंड फॉर्मिंग अ सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। देखो जी आपका फिगर क्या दिया है यहां पर, ये ए पॉइंट लिया, इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल लिया जिसका रेडियस 0.5 दिया है, ये ए पॉइंट है। फिर बी को मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो कितने रेडियस का है, जो कि 1 रेडियस का है, मतलब ये अब आपका रेडियस, ये 0.5 था तो ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, इसका मतलब अब अगर ये सेंटर लिया तो ये डिस्टेंस 1 का है, ये दूसरा सेमी सर्कल बना दिया। फिर अगली बार क्या किया, फिर अब हमने ए को सेंटर लिया है और अब कितने रेडियस का बनाना है, 1.5 सेंटीमीटर। ये अगर आपका ए है, ये 0.5 1.5, मतलब यहां पर अब इतना, ये मेरा हो गया अगले सेमी सर्कल के लिए रेडियस 1.5, और इधर चलते हो तो ये 0.5 ये 1, तो ये टोटल 1.5, मतलब ये तीसरा आपका सेमी सर्कल। इतने पार्ट को मैं L1 कह दूं, इसको L2 कह दूं, ये पूरे को L3 कह दूं, ऐसे करते करते मैंने ऑल्टरनेटिवली ए और बी को सेंटर मान करके सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, और जितनी ये लेंथ है स्पाइरल की, मतलब ये L1 लेंथ प्लस L2 लेंथ प्लस L3 लेंथ, ऐसे ही L4 की बात करूं तो ये बी मेरा सेंटर 2 मीटर पे जाना है, यहां तक एक था एक ये हो गया, ऐसे ही बी से इधर अगर आप 2 पे जाओगे तो यहां पहुंचोगे 0.5 0.5, और ये 1 मीटर लिया था, मतलब अगला सेमी सर्कल ऐसे, और इस फॉर्म में ये आपका स्पाइरल बनते जा रहा है, और ये स्पाइरल की टोटल लेंथ मुझे निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सेमी सर्कल्स थे इनकी सर्कमफ्रेंस निकाल देनी है बस, और उन सबको ऐड कर देना। ठीक है जी, अगर L1 की बात करूं तो L1 का सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस लेट अस से पाई R1, R1 कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 5/10 π/2। ऐसे ही L2 की बात करोगे तो L2 का मतलब मैं इस सेमी सर्कल की बात कर रही हूं, और इस सेमी सर्कल के लिए ये सेंटर है, रेडियस कितना है मेरा 1 मीटर। ठीक है जी, अगर रेडियस 1 मीटर है पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म बन गई पाई। ऐसे ही थर्ड पर जाओगे तो थर्ड के लिए रेडियस है 1.5, सो 3/2 पाई, और मुझे क्या बोला गया, लेंथ ऑफ स्पाइरल, इसका मतलब मुझे L1 प्लस L2 प्लस L3 करना है या सम ऑफ टर्म्स करना है, क्या बताना है मुझे? ऐसे 13 स्पाइरल्स हैं जिनके लेंथ का सम पूछा गया है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, L1 से शुरुआत करके L13 तक मुझे जाना है। अब L1 की वैल्यू है
सीक्वेंस देख लेते हैं, ये बन गई है पाई बाय टू, फिर अगली टर्म आई है पाई, फिर आई है थ्री पाई बाय टू, इसका मतलब ये एपी है विद ए एज पाई बाय टू, डी ऑल्सो एज पाई बाय टू। ऐसी सीक्वेंस के 13 टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब एस 13 निकालना है, 13 बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लोगे इसको कैलकुलेट? और बोलो जी, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव डिस्कस्ड, इफ एनीबडी एल्स इज हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 5.3 देन प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिर क्वेश्चन करके बता दो। लिखो जी, क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1/3, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1/3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म, ये दोनों कैलकुलेट करनी है, जल्दी से कर। 5.3 में फिर से देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है तो क्वेश्चन कर दो। फर्स्ट टर्म और 13th टर्म दोनों निकालनी है, पहली 6 टर्म्स का सम 42 दे रखा है, 10th और 30th टर्म की रेशो 1/3 दे रखी। हाँ जी,
S6, सम ऑफ सिक्स टर्म्स का मतलब फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन का एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। छह टर्म्स का सम, इसका मतलब एन है छह, टू ए प्लस एन को छह डाला तो 5d, छह से इसको कैंसिल कर दें तो 7, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। दिस इज वन रिलेशन आई एम गेटिंग बिटवीन ए एंड डी, दैट इज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। अब दूसरा रिलेशन ए और डी का यहां से मिलेगा। जब हम बात करते हैं a10, a10 का मतलब है a प्लस 9d और a30 का मतलब है a प्लस 29d। दिस इज गिवन टू बी 1/3। यहां से मुझे ए और डी का रिलेशन ढूंढना है, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। ए को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2a, और ये डी वाली टर्म को इधर करें तो 29d माइनस 27d विल बी 2d। इसका मतलब मेरे पास आ गया ए इज सेम एज डी। जो फर्स्ट टर्म है वो ही आपका कॉमन डिफरेंस भी है, ए एंड डी बोथ आर सेम। इसका मतलब है अब क्या करना है मुझे, यहां पर ए को डी या डी को ए कुछ भी डाल देते हैं। अगर ए को डी डालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2d प्लस 5d, दैट इज 7d इज इक्वल टू 7d। सो डी की वैल्यू 2 आ गई है, डी 2 है तो ऑब्वियसली ए भी 2 हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है 13th टर्म। फर्स्ट टर्म पूछी गई थी, फर्स्ट टर्म ए वो हमने निकाल दी, ये वैल्यू 2 है। अब 13th टर्म पूछी जा रही है, 13th टर्म इज a प्लस 12d। ए 2 है, 2 प्लस d भी 2 है, 12 × 2 = 24 + 2, तो ये आंसर हो गया 26। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड 13th टर्म इज 26। नेक्स्ट लिखो जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000, बिटवीन 250 एंड 1000। रिपीट द क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल बाय 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी करिए, बताइए क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास एक्सरसाइज में, सो यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू प्रोसीड। दो सौ पचास और 1000 के बीच के नंबर ढूंढने हैं जो कि डिविजिबल हैं 3 से। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले फर्स्ट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 3, कैन यू लेट टेल मी कौन सा नंबर है इन दो के बीच में, पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है। 252 252। टू फर्स्ट नंबर इज 252, अगला क्या होगा 255। 255, तीन तीन के डिफरेंस पर होंगे ऑब्वियसली। लास्ट नंबर 1000 तक जाना है, नहीं 1000 बिटवीन 250 एंड 1000 विच इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 999।
नाइन, मुझे बोला गया ये जितने भी नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट करो। अब सम का फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है, लेट अस से मैं लगा दूं एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मुझे एन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एन मुझे नहीं मालूम ये कितने नंबर्स बन रहे हैं, दैट आई डोंट नो, सो आई वांट टू फाइंड आउट एन। जल्दी से निकालो जरा एन। ये आपका डी ए है 252, डी विल बी 3, एंड दिस इज योर लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म है 999। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ए एन गिवन है, एन निकाल दो जल्दी से क्या बनने वाला है वो। एन इज 250, एन इज 250, ठीक है जी, एन की वैल्यू आ रही है 250। ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 999 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू आ रही है 250, 250 यहां डाल दें तो 250 डिवाइड बाय 2 दैट विल गिव यू 125 मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट विल बी योर आंसर। सो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लिखो जी। एक्सरसाइज में से किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर? चलिए जी, फिर क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2 एंड सो ऑन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये सीक्वेंस में जो टर्म्स की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। पहली है 20, फिर 19 1/4। हाँ जी, हैंड रेज किया था किसी ने, कुछ पूछना है? पूछना है तो माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज। 20, 19 1/4, 18 1/2। इफ आई लुक एट द टर्म्स, वैल्यू ऑफ टर्म इज डिक्रीजिंग। तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव में जाना शुरू कर देगी, कौन सी टर्म पर जाकर के आंसर नेगेटिव होने शुरू हो गए हैं ये मुझे बताना है। हैंड रेज हुआ था, अभी किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन कर लो और पूछो। व्हेन आई से नेगेटिव, क्या मैं कह दूं मुझे चाहिए nth टर्म की वैल्यू लेस देन जीरो? नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ nth टर्म टू बिकम नेगेटिव। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, ए एन लेस देन जीरो। ए एन आपको मालूम है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। आई वॉन्ट दिस टू बिकम लेस देन जीरो। डालिए जरा ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन बताओ मुझे क्या रहा, जल्दी जल्दी करना जरा। What is the value of n that you are getting out of it?
हाँ जी, एनीवन हु हैज रीच एट द आंसर? ट्वेंटी 28th टर्म, ए की वैल्यू है 20, डी अगर आप देख रहे हैं तो -3/4, 19 1/4 और ये है 20, 3/4 कम कर दिया हमने इसको 19 1/4 पहुंचने के लिए, इसका मतलब डी की वैल्यू है -3/4। 20 -3/4 n +3/4 इज लेस देन 0। 20 और 3/4 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट, एलसीएम लें तो 80 + 3, 83/4 -3/4 n इज लेस देन 0। 83/4 इज लेस देन 3/4 n, 3/4 n इज ग्रेटर देन 83/4। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया, n को बड़ा होना है 83/3 से। मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 7 2/3, एन को 27 2/3 से बड़ा होना है, एक बात। दूसरी बात, एन हमेशा नेचुरल नंबर होता ही है, हमें मालूम है। सो 27 2/3 से बड़ा नेचुरल नंबर 28, इसका मतलब है जो 28th टर्म है सीक्वेंस की, दैट इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 27th टर्म निकालो, 28th टर्म निकालो। 27th टर्म इट शुड बी ईदर पॉजिटिव और 0, और 28th शुड बिकम नेगेटिव। ठीक है जी, चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। चलिए, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द क्लास। ओके जी, बाय बाय।